जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ शाकिर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बॉक्स को अनबॉक्स पे। 2023 चल रहा है दोस्तों, और अगर आपको चाहिए एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको पांच ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको एक वॉशिंग मशीन लेने से पहले जरूर देख लेनी चाहिए। सो बिना किसी देर के, बिना टाइम खराब करे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आज मेरे पास हायर की 7 kg की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जो कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। तो हायर की इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। बात करते हैं अभी इस हायर वॉशिंग मशीन की। तो इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको सबसे पहले आपको फ्रंट लोड को जिस तरीके की आपको लुक एंड फील डिजाइन देखने को मिलती, हायर के अंदर आपको सबसे पहले जो एक सबसे खास और सबसे अहम चीज़ जो मिलती वो मिलती है आपको इसके अंदर, आपको सॉफ्ट फोल्डन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपका ये जो डोर है इजी क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये एकदम से टक्कर कर नहीं जाता है, जिससे आपका कुछ भी मतलब नॉइस क्रिएशन नहीं होता। साथ ही साथ इसके अंदर आपको टफन ग्लासेस देखने को मिलेगा, ये जो ग्लास है आपका कम्प्लीटली टफन ग्लासेस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इस वॉशिंग मशीन में यहाँ पर आपको इसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जो कि इसके मॉडल नंबर वगैरह आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको 54 लीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपका इसके अंदर 8 लेवल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक छोटी सी LED डिस्प्ले मिल जाती है, जहाँ पर आप अपना डेली आवर्स भी कर सकते हैं, प्रोग्राम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको 8 वॉशेबल प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको जितने भी प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं सारे यूजफुल प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पावर का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे स्टार्ट और पॉज करने का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 7 kg की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और एक बार इसको मैं आपको पूरी चारों तरफ से लुक एंड डिज़ाइन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको कम्प्लीटली स्टील की बॉडी देखने को मिलेगी, साथ में यहाँ पर आपको गैप हैंडल देखने को मिल जाता है इस तरह से। और बात करें अगर इसके इनलेट की, वाटर इनलेट का, आपको यहाँ पर वाटर इनलेट के लिए यहाँ पर नली आप पाइप सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका पाइप सेट होता है। अब बात करेंगे इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सो इसके अंदर आपको सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको नीचे इसके अंदर एक एंटी रेड जाली देखने को मिलती है, जो कि चूहों के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल जाली होती है। ये आपको एंटी रेड जाली इसके अंदर देखने को मिलती है। साथ ही इसके अंदर आपको वाटर इनलेट करने के लिए आपको यहाँ पे पंप मिलेगा, जो आप अपनी टेप से कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है हायर का, जब भी आप इसको परचेस करें मेक श्योर इसको भरा लें, किसी जहाँ से भी आप इसको परचेस करें। अब बात करते हैं इसके अंदर जो आपको ड्रम मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा ओशन वेव ड्रम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपको डायमंड्स देखने को मिलते हैं, जो आपको ओशन वेव स्टाइल के अंदर आपको डायमंड देखने को मिलेंगे, जो कि आपके क्यूब शेप के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो आपकी इफेक्टिव क्लीनिंग आपको ये काफ़ी अच्छे से इफेक्टिव क्लीनिंग करके देता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े एक तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, साथ ही साथ कपड़ों की जो लाइफ है वो काफ़ी थोड़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर मैजिक फिल्टर की, तो इसके अंदर आपको 2 बायोनिक मैजिक फिल्टर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 बायोनिक मैजिक फिल्टर देखने को मिलते हैं, जो भी आपकी गंदगी कचरा है सारा इसके अंदर आपका इकट्ठा हो जाता है, अगर आप इसको जब भी वॉश करें निकाल के क्लीन कर ले और फिर से इजीली लगा दें, ये काफ़ी इजी टू प्लग एंड प्ले होता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको फूजी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, कैमरामैन को बोलूँगा यहाँ पर फोकस करें एक बार, यहाँ पर आपको फूजी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इस फूजी टेक्नोलॉजी से मतलब है कि जब भी आप कपड़े धोते हैं, जब भी आप कपड़े धोएंगे तो आप क्या है कि आपके जितने भी कपड़े होते हैं, जब आप वॉश करके कपड़े निकालते हैं तो कपड़े उलझ जाते हैं, तो इसके ड्रम के अंदर आपको फूजी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि आपके कपड़ों को फंसाएगी नहीं एक दूसरे के अंदर, जिससे क्या होगा आपके कपड़ों की जो लाइफ है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मशीन जिसके अंदर फूजी टेक्नोलॉजी नहीं होती। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। साथ ही इसके अंदर जो आपको यहाँ पर ड्रम मिल जाता है कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील का मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो दोस्तों अगर बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको NZP नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि नियर जीरो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी जो टंकी है उसका जो प्रेशर, अगर आपको लगता है कि मेरे पानी की टूटी के अंदर जो प्रेशर है काफ़ी स्लो आता है, तो इस मशीन के अंदर वो यूज़ होगी या नहीं होगी। सो दोस्तों इसके अंदर आपको NZP प्रेशर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, यहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो भी टंकी का अगर प्रेशर स्लो भी है तो भी आपने आपको काफ़ी फास्ट तरीके से आपकी टंकी को इसको फिलअप कर देगा, एज़ कम्पेयर टू जब आपका लो प्रेशर होता है तब भी इसको काफ़ी अच्छे से फिलअप कर देता है पानी, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी टाइम के अंदर पानी ले लेगा जितना नॉर्मल मशीन के अंदर नॉर्मल प्रेशर में लेता है। सो ये एक NZP इसके अंदर आपको एक काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये तो थी इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल रिव्यू। अब मैं आपको बताता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने 5 पॉइंट बोले थे, जहाँ पर आपको इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन को खरीदने से पहले उन 5 पॉइंट को जरूर से देख लें। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बात करें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की, तो आपका जो इस मशीन वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, प्लास्टिक का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो ड्रम अगर स्टेनलेस स्टील का होगा तो आपके जो कपड़ों की एक तो लाइफ स्पीड हद तक थोड़ी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ जो आपकी सेकंड पॉइंट है वो है आपका क्लीनिंग, काफ़ी अच्छे से उसके अंदर क्लीनिंग हो जाती है। तो स्टेनलेस स्टील का ड्रम होना आई थिंक एक वॉशिंग मशीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, जिसकी वजह से इसका एक काफ़ी हद तक प्लस पॉइंट आपके लिए वॉशिंग मशीन में रहेगा।
बात करें अगर दूसरे पॉइंट की दोस्तों, तो आपकी जो भी वॉशिंग मशीन होगी उसका जो आउटर बॉडी है वो आपको स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए। स्टेनलेस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टील बॉडी होना कंपलसरी होता है, क्योंकि एक तो उससे आपकी टच एंड फील काफ़ी अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ उसकी जो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, एक जो प्रोडक्ट की लाइफ होती है 3 से 4 साल या 5 साल की जो, या काफ़ी प्रोडक्ट की 10-10 साल तक की भी लाइफ होती है एक प्रोडक्ट की। तो वहाँ पर अगर आपकी कभी बाई चांस वॉशिंग मशीन अगर ब्रेकडाउन भी हो जाती है बाहर बॉडी से, तो स्टील की बॉडी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता नहीं, डेंट आके वो प्रोडक्ट रह जाता है। सो दोस्तों इसी वजह से क्या है कि आपकी जो आउटर बॉडी वो स्टील की होना कंपलसरी होता है। सो ये तो था आपका दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं हम दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट के अंदर दोस्तों आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो जमीन से जहाँ टच हो रही है वहाँ पर उसका जो बेस है वो प्लास्टिक का होना कंपलसरी होता है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है हम वॉशिंग मशीन के अंदर यूज़ करते हैं तो पानी कहीं ना कहीं कभी बाहर गिर भी जाता है या बाहर से लीकेज भी हो जाता है, या अगर बाहर से क्लीनिंग करते हैं तो क्या होता है कि बेस के अंदर पानी का, अगर आपका स्टील का बेस होगा तो वहाँ पर पानी इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर आपकी रस्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी वजह से जो आपका बेस है वो बिल्कुल प्लास्टिक का होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि आपका एक तो रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कि साथ ही साथ अगर हमारा कभी बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी शॉक जो भी लगता है, अगर आपका करंट भी अगर आपकी वॉशिंग मशीन में आ रहा है या फिर अर्थिंग आ रही है, तो वो प्लास्टिक बॉडी की वजह से आपका जो अर्थिंग है वो आपका कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक ये भी एक सेफ्टी फीचर है आपकी वॉशिंग मशीन में। सो थर्ड पॉइंट के अंदर मैं यही कंसिडर करूँगा कि आपकी वॉशिंग मशीन का जो बेस है वो प्लास्टिक का होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। ये बात आप एक जरूर नोटिस में करें। अब बात करें अगर हम चौथे पॉइंट की, चौथे पॉइंट के अंदर दोस्तों अगर आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर जो वॉशिंग फीचर्स होते हैं, काफ़ी वॉशिंग मशीन के अंदर 8 से 10 से 12 वॉशिंग मशीन के फीचर्स होते हैं जो आपको अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन 7 kg की वॉशिंग मशीन के अंदर दोस्तों मैं मानता हूँ कि 7 से 8 फीचर अगर आपकी वॉशिंग मशीन में है तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन वो 7 से 8 फीचर आपके कौन से वो मैंडेटरी होता है कि आपके अंदर वॉशिंग प्रोग्राम उसके अंदर होना जरूरी है, साथ ही साथ उसके अंदर आपका राइस प्रोग्राम वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्पिन है या नहीं है, टब ड्राई है या नहीं है, साथ ही उसके अंदर आपको नॉर्मल शॉक, ये इसमें काफ़ी सारे ऐसे बेसिक फीचर होते हैं जो आपको वॉशिंग मशीन में नीड होते, तो ये फीचर्स आपकी मशीन में है या नहीं ये कंपलसरी आप ज़रूर देख ले। बाकी आई थिंक सो आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप अपनी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर अब तक कितने फीचर्स जो आपके पास अवेलेबल है आपने क्या सारे यूज़ किए, अगर यूज़ किए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं हम इसके पाँचवें और सबसे मेन इफेक्टिव पॉइंट की, जो कि इसकी प्राइसिंग पॉइंट, साथ ही साथ इसकी कंजप्शन। अगर हम बात करें इस प्राइस पॉइंट की, तो 7 kg की जो वॉशिंग मशीन है ये आपके फैमिली मेंबर, अगर आपके फैमिली में के अंदर 4 से 5 मेंबर है तो वो वॉशिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट हो जाती है आपके घर के लिए। 4 से 5 अगर आपके बंदे हैं, साथ ही साथ उसके अंदर आपके चाइल्ड भी इंक्लूड करना चाहते हैं आप, तो आप कर सकते हैं, आपके लिए 7 kg की वॉशिंग मशीन सफिशिएंट होती है। और बात करें इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, तो इसके अंदर आपको जो साइकिल है ये जब एक टब पूरा एक बार में राउंड करता है तो इसके अंदर आपका 0.01 यूनिट आपका एक बार में कंज्यूम करता है, तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है काफ़ी हद तक सेव होती है। तो ये 5-star वॉशिंग मशीन आपकी कंपलसरी होनी ही चाहिए किसी भी ब्रांड की अगर आप लेना चाहते हैं। सो मैं ये मानता हूँ दोस्तों अगर आप कोई भी प्रोडक्ट की वॉशिंग मशीन लेना चाह रहे हैं तो 5-star वॉशिंग मशीन कंपलसरी आप लें, साथ ही साथ उसका जो किलोवाट पर आवर यूजेज है वो भी आप ज़रूर एक बार देख लें। जिस तरीके से मैं आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा 0.1 से 0.2 तक की इस वॉशिंग मशीन की आपको साइकिल देखने को मिलती है, जो कि आप पर वॉट आप इसका कंजप्शन देख सकते हैं। सो दोस्तों एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको बताते हैं इस वॉशिंग मशीन को लेने से पहले ये फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं, दो मैंने ऐसे पॉइंट बोले थे कि मैं आपको दो नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। सो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट इसका टॉप लोड वॉशिंग मशीन का नेगेटिव ये होता है कि अगर आप एक फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो होती है आपका कम पानी कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू टॉप लोड वॉशिंग मशीन, ये आपका ज़्यादा पानी भी कंज्यूम करेगी, साथ ही साथ इसके अंदर क्लीनिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी आपकी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में होती। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट जहाँ पर इसके अंदर मैंने इसके दोनों नेगेटिव गिना दिए जो मेन पॉइंट होते हैं फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर। तो ये था इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल रिव्यू। तो दोस्तों ये तो थे इसके प्रॉन्स एंड क्रॉन्स जो मैंने आपको इसके साथ वीडियो में शेयर किए। साथ ही साथ अगर अब मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग की, जो कि मैं आपके सामने हायर का 7 kg का प्रोडक्ट लाया हूँ, सो ये मार्केट के अंदर आपको इजीली 17 से 18 हज़ार के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है, और अगर आपको कभी ऑफर मिल जाए तो ये आपको 16,000 तक भी आपको मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगा अगर ऑफर मिलता है क्रेडिट कार्ड या आपका कोई भी डेबिट कार्ड के साथ अगर आप यूज़ करते हैं। तो ये था इस प्रोडक्ट के बारे में प्राइसिंग की बातें। सो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, और इस वॉशिंग मशीन की अगर किसी को नीड है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।